तो देखो भाई, आइनो की इस केडामा का जो रिव्यू है वो लेट नहीं कर रहा मैं, बल्कि बहुत ज्यादा लेट कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, इसके पीछे तगड़े वाले रीजंस हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा एंड मैं बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेने वाला हूँ। मतलब इस केडामा को लेकर के मैं एक क्विक रिव्यू दूंगा आपको एंड सिंपल 2-3 रीजन आपको दे दूंगा। अगर आपको वो सूट करते हैं तो हाँ, डेफिनेटली आप इस केडामा को देख सकते हो क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन चलो शुरू करते हैं एज यूजुअल बेसिक से। देखो भाई, इस केडामा का नाम है ए पीस ऑफ योर माइंड। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आपके दिमाग का एक टुकड़ा, जिसको भाई अगर आप चाहो तो हिंदी में देख सकते हो, MSP के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। लेकिन उसको लेकर के थोड़ा सा इशू है, उस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अगर आप इसको फैमिली के साथ देखना का प्लान बना रहे हो तो भाई बहुत सारा इसमें आपको रोमांटिक झोल झाल देखने को मिलेगा। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तभी देखना, बट न्यूडिटी वगैरह नहीं है एंड किस वगैरह है, एंड वो भी शायद 10 एपिसोड के बाद शुरू होता है। बाकी मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बट अब रियल मुद्दे की बात करते हैं कि भाई एक्चुअली में ये केडामा अराउंड 2-3 वीक पहले आया था एंड अभी मैं इसका रिव्यू कर रहा हूं। Why? उसका पहला सिंपल रीजन है कि भाई ये केडामा जिस प्लेटफॉर्म पर हिंदी डब में आया है एंड उसकी हिंदी डबिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मतलब MX प्लेयर की हिंदी डब, जिसकी वजह से इसको मुझे जुगाड़ करके देखना पड़ा एंड ओरिजिनल लैंग्वेज में। एंड भाई दिस केडामा इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, बहुत ज्यादा टफ है इसको देखना एंड भाई इसीलिए मैंने इसको आराम आराम से देखा एंड अब जाकर के मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। बाकी भाई अगर कहानी की बात करें तो अपने हीरो को फॉलो करती है जिसका नाम है मून हाउन, जिसको अगर मैं सिंपली इस केडामा के लिए डिफाइन करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो AI होती है, उसकी दुनिया का वो पूरी तरीके से बादशाह है, कोई उसको छू नहीं सकता। बाकी ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो भाई वो अपने वर्क को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा काम है। अब भाई उसकी लाइफ में जब एक ऐसी लड़की की एंट्री होती है जिसकी लाइफ में भाई अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, तो ये दोनों मिल करके अपनी जर्नी को कैसे तय करते हैं एंड क्या क्या इनकी लाइफ में होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस केडामा को देखना पड़ेगा। एंड भाई इसीलिए मैंने स्टार्ट बोला था कि ये केडामा सबके लिए नहीं है। सिंपल 2 रीजन देता हूं जिसकी वजह से आप इस केडामा को देख सकते हो। पहला चीज कि अगर आपको मेलोड्रामास देखना पसंद है, आपको स्लो बर्न रोमांटिक कोरियन ड्रामास देखना पसंद है, प्योर रोमांटिक कोरियन ड्रामा जिसको आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि उसकी फीलिंग को फील करने के लिए, कैरेक्टर की जर्नी को जानने के लिए अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप इस केडामा को एक ट्राई दे सकते हो। दूसरा रीजन है जिसकी वजह से आप इस केडामा को देख सकते हो वो है इसके एक्टर्स। अगर आप जंगे हिन, मतलब जो स्नो ड्रॉप वाला एक्टर था या DP वाला कह सकते हो, अगर आप उसके फैन हो तो देख सकते हो, या फिर जो एक्ट्रेस देखने को मिलती है, अगर आपने रिसेंट में नेटफ्लिक्स पर द फैबुलस देखा होगा या I Am Not Robot नाम के ड्रामा जो MX प्लेयर पे अवेलेबल है उसको आपने देखा था, आप उसके फैन हो तो डेफिनेटली आप दोनों एक्टर के लिए आप इस ट्राई मार सकते हो। एंड एक चीज मैं और बोलूंगा भाई, इस केडामा को जब आप देखने जाना तो एकदम रिलैक्स होकर के देखना एंड अपना अच्छा खासा टाइम देना, 20-25 मिनट देखो छोड़ दो, क्योंकि भाई कुछ एपिसोड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर कुछ भी नहीं होता है, बस आपको सिनेमेटोग्राफी, एस्थेटिक प्रेजेंटेशन या सीन दिखा करके मेकर्स इसकी दुनिया के साथ आपको रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब स्लो चीजें होती रहेंगी, आपको कैरेक्टर की फीलिंग को पकड़ना पड़ेगा, तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तभी आप इसको देखने जाना। बाकी कहानी इंटरेस्टिंग है, मिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा एंड कंफ्यूजिंग वे के साथ किया गया, तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करके अपने साथ एंगेज करके रखेगी। सीरीज की जो फीलिंग है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं जिनको रोमांटिक के ड्रामास देखना या मेलो ड्रामास देखना पसंद, उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। प्रॉब्लम की बात करें तो भाई कहानी में आपको बहुत ज्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिलता, आपको वही रेगुलर प्लॉट देखने को मिलता है जिसको आपने अक्सर मेलो ड्रामास में एंजॉय किया, तो कहानी से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके ना जाना एंड इस कहानी को भाई काफी लंबा खींचा भी गया है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम की भाई इसकी हिंदी डबिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं की गई है। ओवरऑल मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको चैलेंजिंग के ड्रामास देखना पसंद है, आपको स्लो बर्न वाले मेलो रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद है, तो इस केडामा को एक ट्राई दे सकते हो, ये आपके पेशेंस का अच्छा खासा टेस्ट लेगा। एंड भाई मेरी तरफ से एक स्मॉल सजेशन रहेगा, अगर आप इसको ओरिजिनल में देख पाते हो तो ओरिजिनल में इसको ट्राई करना, आपको ज्यादा मजा आएगा एज कम्पेयर टू पैथेटिक हिंदी डब। मेरी रेटिंग रहेगी इस केडामा को लेकर 8/10 स्टार। तो इन केस अगर आपने इसको देख लिया तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।